हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जित तिवारी अपनी चैनल गुरु कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 1 और 2 की बहुत बड़ी भर्ती हुई है, जिसमें आप लोगों का रिटर्न पेपर तो हो चुका है, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स थोड़े बहुत अच्छे हैं या जिन्हें लगता है जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है। काफी दिन हो गए हैं कि रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो व्यापम जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 मंथ के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है एग्जाम होने के बाद। आपको पता है कि इसका एग्जाम काफी समय पहले हुआ है और इतना समय हो चुका है ना, तो अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। इलेक्शन चल रहे थे तो सारे स्टूडेंटों को ऐसा लग रहा था कि तो आचार संहिता के कारण अभी रिजल्ट नहीं आएगा, इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, है ना, इसका कट ऑफ कितना रहेगा। तो अभी भी बिल्कुल, है ना, आपको लगता है कि जब किसी भी स्टूडेंट का जो पहले से बहुत समय से तैयारी कर रहा है, उसने पेपर दिया, उसके मार्क्स अच्छे आ गए, अच्छे खासे मार्क्स हैं, सपोज करो 115 110 नंबर हैं, तो ऐसे सारे स्टूडेंट जिनके 100+ मार्क्स हैं, वो बिल्कुल इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, या फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उनकी चांस है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे फेसबुक पेज पर जितने भी कमेंट आते हैं, तो सबसे पहले उनके सबसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहते हैं, पहला सर रिजल्ट कब तक आएगा संविदा का, दूसरा सर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, या फिर मेरे मार्क्स इतने हैं कि सर मेरे चांस हैं सिलेक्शन होने के। फिर भी मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ बता देता हूँ कि यदि आप प्रॉपर इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और आपने इसका पेपर दिया हो, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, यदि आपने आपका जो पेपर सामाजिक विज्ञान का था और आपकी कैटेगरी के हिसाब से इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे अनुमान से आप बिल्कुल उम्मीद कीजिए, क्योंकि सबसे जो कठिन पेपर था वो था सामाजिक विज्ञान वालों का। सोशल साइंस का पेपर संविदा का बहुत कठिन था वर्ग 2 के लिए। तो आपको मालूम है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि काफी हाई क्वेश्चन आ गए थे इसमें। जो आपका 60 मार्क्स का पोर्शन था वो बिल्कुल आउट ही था, जो सिलेबस में दिया था बेसिकली उससे बाहर ही था। अब बाहर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पेडोगोजी थी उसमें, तो पेडोगोजी ज्यादा दे दी थी उनने, है ना, इस वजह से हम कह सकते हैं थोड़ा सा। और ये आपकी कैटेगरी है, और अगर यदि आप मेल हो तो अगर आपके मार्क्स 100 to 110 बन रहे हैं, 110 के बीच बन रहे हैं, तो मेरे अनुमान से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बस बशर्ते आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स व्यापम में बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन होता है जैसे कि रेलवे है, उसमें केवल और केवल बढ़ते हैं, कम कभी नहीं होते, लेकिन व्यापम में आपके डिक्रीजिंग मार्क्स भी हो जाते हैं, इंक्रीज भी मार्क्स हो जाते हैं। तो आपके मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं मेल कैटेगरी से, तो यहाँ पर चेक कीजिए अपनी कैटेगरी, मेल और फीमेल में देखिए, बताइए यदि आपके इस रेंज में मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आपको उम्मीद होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन मेरे अनुमान से हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप हिंदी और सब्जेक्ट लेके मत बैठिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ जो कम ही जाएगा, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा टफ था। अब हम दूसरे पेपरों की बात करते हैं। दोस्तों, हिंदी विषय के लिए हमने जो कट ऑफ बताया है अनुमानित कट ऑफ, और मुझे लगता है 100% यही कट ऑफ जाएगा। आप देख लेना, आप अपनी कैटेगरी देखिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी, यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है। मार्क्स की रेंज बताइए मन में, है ना, कि 110 से लेके 120 के बीच लगभग कितने भी मार्क्स हैं आपके, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके 110 110 होना चाहिए, इससे ज्यादा कितने भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। तो आपके मिनिमम मार्क्स अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं मेल और फीमेल के हिसाब से चेक कीजिए, तो बिल्कुल आपको उम्मीद होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन मेरे अनुमान से 100% हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विज्ञान विषय के लिए। आपको मालूम है कम से कम 6 शिफ्टों में इसका पेपर हुआ था, तो काफी स्टूडेंटों ने विज्ञान विषय का भी पेपर दिया था वर्ग 2 के लिए। तो यदि आपने विज्ञान विषय का पेपर दिया है और आप कैटेगरी चेक कीजिए अपनी, जनरल ओबीसी एससी एसटी, यहाँ पर चेक कीजिए आप मेल या फीमेल हैं, उस हिसाब से अपने मार्क्स देखिए। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 85 to 90 के बीच हैं साइंस में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे अनुमान से, बशर्ते मैंने बोला कि आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रहती है इसमें। आपके हो सकता है मार्क्स 85 हो और बढ़ के 92 हो जाएं, और हो सकता है मार्क्स आपके 85 से रह जाएं 70-80, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स अगर इस रेंज में आपके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो अभी हमने बात की इसके कट ऑफ के बारे में, जिसमें मैंने सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान विषय की कट ऑफ की चर्चा की है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होता है स्टूडेंटों का, सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंटों ने मुझसे पूछा कि सर कब तक रिजल्ट आने वाला है। तो इसके बारे में आपसे एक ही बात बोल सकता हूँ कि इसके रिजल्ट के बारे में मैंने व्यापम पे कॉल करके पूछा है, तो बेसिकली जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा,
उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि सर रिजल्ट बस इतना समझ लीजिए कि एमपी गवर्नमेंट बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, क्योंकि चुनाव होते हैं तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे देते हैं, बाद में उनको पूरा करने के लिए जितना भी खजाना होता है सरकार के पास पूरा लुटा देती है। फिर बाद में वो क्या करती है, उन्हें मालूम है कि अभी स्कूलों का काम तो चल ही रहा है, तो यदि वो अभी भर्ती कर लेंगे तो इतने सारे लोगों की ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी, जो ज्वाइनिंग दे देंगे तो उनका पेमेंट देना पड़ेगा, हर मंथ इतना सारा पेमेंट देंगे, कम से कम 80 करोड़ समथिंग होता है हर मंथ का। अगर आप चेक करोगे, आप खुद अंदाजा निकाल के देखना कि 20,000 वैकेंसी लगभग थी फर्स्ट ग्रेड में और 12,000 समथिंग शायद थी सेकंड ग्रेड में, तो लगभग 30,000 मान लेते हैं हम, 30,000 समथिंग वैकेंसी है, और आप मल्टीप्लाई करके देखो 30,000 में लगभग 25 या 30,000 का, क्योंकि पे ग्रेड बढ़ गई है तो सैलरी इस बार अच्छी मिलेगी, तो 30,000 में 30,000 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप अंदाजा लगा लोगे कि लगभग आपका 90 करोड़ समथिंग हो रहा है। इतना सारा पैसा जिन्हें हर मंथ देना पड़ेगा, उस हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, उसको लेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इन्होंने पेपर कराए हैं तो रिजल्ट तो आएगा बिल्कुल, कितना लेट कर ले तो कितना भी लेट कर लें, लेकिन एक प्रॉपर लिमिट से ज्यादा लेट नहीं कर सकते, तो रिजल्ट आएगा, इसकी ज्वाइनिंग भी होगी, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, अपने किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहें या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कीजिए, और इसका रिजल्ट जल्दी ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 महीना और लेट हो सकता है या इसके अंदर आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर।